आदरणीय किशन सिंह जी, हमारे गोवर्धन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने आज कई स्थानों पर यहाँ पहुँचते पहुँचते कई स्थान, थोड़ा तो मैं हमेशा मेरी आदत रहती है कि मैं अपने समय से पहले पहुँच जाता हूँ। आज मुझे बहुत चिंता थी कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन जगह जगह पर आपने सबसे पहले वहाँ टूल पर और टूल के बाद कई स्थानों पर लोगों को पहले ही संदेश दिया हुआ था, तो सब जगह आपने बहुत ही स्वागत के कार्यक्रम रखे हुए थे। मेघश्याम सिंह जी, लोकप्रिय विधायक बलदेव, श्री पूरन प्रकाश जी, MLC आदरणीय ठाकुर ओम प्रकाश जी, निदेशक दीनदयाल धाम श्री सोनपाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय कार्य सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य गुड्डी शर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह जी, चेयरमैन नगर पंचायत सात योगेश गंबरदार जी, श्री रामफल जी चेयरमैन नगर पंचायत राधाकुंड, श्रीमती सरोज शर्मा जी अध्यक्ष महिला मंडल, एवं सभी हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने इतने जोर शोर से मेरा स्वागत किया है कि मैं अभिभूत हूँ। और वहाँ तो मैं ठंड से आया बहुत ज़्यादा, तो मुझे अपना कोट भी उतारना पड़ा, इतनी गर्मी आपने मुझे प्रदान कर दी है। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और दोनों हाथ जोड़कर आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज इस व्रत की भूमि में मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए भी आप सभी का, भगवान गिरिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो सम्मान यहाँ आप सब लोगों ने मुझे दिया है, जो मेरा स्वागत किया है, ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान आप सब लोगों ने दिया है। इस अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण जी को, राधा रानी जी को, मीराबाई जी को और ब्रज के सभी संतों को मैं नमन करता हूँ, और इस भूमि में आप सबसे मिलना, यहाँ पर संबोधन करना, ये अपने आप में बहुत ही ईश्वर की कृपा है। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था अशोक जी यहाँ आऊँ मैं, और कई बार कार्यक्रम बना भी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस धरा में एक पत्ता भी हिलता है, एक कण भी दर्शन भर होता है, और भगवान जब उनकी इच्छा होती है किसी से कुछ करवाने की या अपने यहाँ बुलाने की, तो ये उनकी इच्छा के अनुसार होता है। मुझे लगता है कि मेरे दिन आ जाए दिन, आज का दिन मैं अपने लिए बड़ा सौभाग्य का दिन मानता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं आज पूरे देश के अंदर जो एक हमारे धार्मिक स्थान है, हमारी आध्यात्मिक चेतना है, उसको संपूर्ण विश्व के अंदर आज नए स्वरूप में लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर हम कहें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश जो है गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। आज परिणाम आपके सामने है। अभी आज मैं यहाँ आ रहा था तो मैं समाचार देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले, लोकार्पण करने वाले, और भगवान राम का मंदिर बने वहां पर। हम सब लोगों ने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी और सब कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब यहाँ से भी कार सेवा करी होगी लोगों ने,
पूरे देश भर के लोगों ने कार सेवा करी और मैं ही छोटा था, अशोक जी मेरे से 1-2 साल बड़े हैं, और हम लोग बचपन से कहते थे, नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। तो वो शुभ घड़ी भी आ गई है। देखिए, एक तो त्रेता युग था जब भगवान राम उस समय पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, और एक कालखंड वो है, वो कालखंड भी अमर हो गया, और एक कालखंड यह आया है जब हम सबके सामने भगवान राम लला फिर से विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं, और ये सब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बताइए, हम सब लोगों को खुशी हुई है ना? कितनी खुशी हुई है। जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, भव्य काशी दिव्य काशी बन गई है, उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया है, पूरे देश को समर्पित हो गया है। आप उत्तराखंड आएंगे तो उत्तराखंड में आपको जहाँ चार धाम जाने के लिए नए मार्ग, चार धाम ऑल वेदर रोड हैं जो हर सीजन में काम करती हैं, बरसात हो चाहे कोई भी सीजन हो, कभी बंद नहीं होती है, ऑल वेदर रोडें बन गई। उससे बड़ी बात केदारनाथ त्रासदी, मैं केदारनाथ का पूरी तरह से जो है सारा क्षतिग्रस्त हो गया था, सारा परिसर भगवान के प्रांगण के चारों, उसको भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मार्ग हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से काम चल रहा है, और जल्दी से जल्दी वो काम हमारा पूरा होने वाला है। अब आप खुद ही इसमें से जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, एकदम से नया स्वरूप वहाँ का बन गया है। भगवान बद्री विशाल नए मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है, और अभी अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो एकदम सीमांत क्षेत्र में आदि कैलाश पार्वती कुंड 18,000 फुट की ऊंचाई पर उन्होंने जो है स्वयं जाकर वहां के दर्शन किए हैं। ये इस प्रकार के काम लगातार हो रहे हैं भाइयों बहनों। आज मैं आप सबकी ऊर्जा को देखकर कह सकता हूं कि आप सब लोग आज देश के अंदर जो काम हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकारें जो काम कर रही है, यहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से हर क्षेत्र में आज विकास के काम हो रहे हैं, और आप सबको देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप सब लोग हर प्रकार से खुश हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, पूरे देशवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और एक बात और बताइए, क्या ये खुशी आपको कांग्रेस या सपा की सरकार या अन्य जो सरकारें हैं क्या उन्होंने ले सकती थी? उनमें नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये सब लोग भगवान राम का जो भव्य मंदिर है उस मंदिर का निर्माण ही नहीं करना चाहते थे। कितना अड़ंगा इन्होंने उसमें लगाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर कभी नहीं बनवाते, देश के अंदर धारा 370 कभी न हटती। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं, न डिगे हैं, न रुके हैं, लगातार उन्होंने परिश्रम किया है, कर्तव्य पथ पर लगातार वो आगे बढ़े हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा जो कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो पूरे देश को दी है, उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी उसी दिशा में प्रयत्न किया है। और उत्तराखंड के अंदर भी जैसा अभी अशोक जी यहाँ से कह रहे थे, कटारिया जी, कि बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे काम हमने पूरे किए हैं, बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ रहे हैं, और 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के पूरे हो चुके हैं, और इन 23 सालों में बहुत सारे हमने कठोर निर्णय लिए हैं जो पहले के 23 वर्षों में कभी नहीं लिए गए थे, वो निर्णय भी लिए हैं। जहाँ हमने देश के अंदर एक कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, और वो पूरे भारत का सबसे कठोर कानून है, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया, नहीं तो हमेशा वहाँ पर्चा लीक होता था।
प्रश्न पत्र लीक होते थे, पेन ड्राइव पर नकल होती थी, बड़ा अपराध होते थे। जो गरीब माता पिता के बेटे बेटियां होती थी उनके अंदर योग्यता क्षमता होती हुई भी उनका नंबर नहीं आता था। आप भी सुनते होंगे रोज पर्चा लीक हो रहा है आपके बगल में, अभी तक पुरानी सरकार जो चली गई कितनी बार पर्चा लीक होगा, 27 बार राजस्थान में तो बार बार पर्चा लीक होता था। ऐसे ही हमने धर्मांतरण रोकने के लिए भी एक कठोर कानून उत्तराखंड के अंदर बना दिया, क्योंकि देवभूमि की मांग भी थी और देवभूमि को लोग जिस स्वरूप में देखना चाहते थे। हमने कठोर धर्मांतरण का, धर्म परिवर्तन करने पर कठोर कार्रवाई करने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके साथ साथ जो अभी अशोक कटारिया जी कह रहे थे लैंड जिहाद, जो लैंड जिहाद के रूप में बहुत बड़ा अतिक्रमण उत्तराखंड के अंदर था, सरकारी जमीनों पर, जंगल की जमीनों पर, उसको भी हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। और 5000 एकड़ जमीन अभी तक हम मुक्त करा चुके हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी हमने पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। बहुत सारे मामलों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे देश के लोग एक अलग प्रकार की आस्था रखते हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोग मुझे भी जिस प्रकार से यहाँ स्नेह प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इसमें देवभूमि की बहुत बड़ी महत्ता है, देवभूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और दुनिया के लोग सोचते हैं कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि माने अच्छे पर्वत, अच्छी नदियाँ, अच्छे वन, अच्छे देव स्थान, ये मूल स्वरूप है देवभूमि का। उदार लोग, ईमानदार लोग, तो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, इसकी भी हमने चिंता की है। और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े हैं वो कदम हमने उठाए हैं और सख्ती से उठाए हैं। अभी हमारे वहाँ की मातृशक्ति के लिए हमने 30% का क्षतिज आरक्षण भी उत्तराखंड में उसके लिए भी विधेयक बना दिया है। और देश में जैसे राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण बंद होना चाहिए, ये बात हम लगातार कई वर्षों से कहते आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन सब पर काम हो रहा है। और पिछले चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड में एक काम करेंगे कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाए। भाई बहनों, समान नागरिक संहिता की कमेटी ने भी अपना पूरा काम कर लिया है। नए वर्ष में हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम उसको भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व संभाला है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो मेरी क्षमता है, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, उसको मैं पूरी तरह से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत सारे निर्णय भी ले रहे हैं, हमारी सरकार निर्णय भी ले रही है, जो निर्णय बहुत पहले हो जाने चाहिए थे उन निर्णयों को भी ले रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो अभी इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में मैंने देखा कि किस प्रकार से आज दुनिया के लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है, लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। उसके पीछे एक नहीं अनोखों कारण है। जहाँ G20 जैसे हमने सम्मेलन सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न किए, वहीं कोरोना महामारी में पूरी दुनिया के लोगों को जो वैक्सीन देने का काम किया, और वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा पूरे विश्व के समक्ष हमारी संस्कृति के रूप में धरातल पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे निश्चित रूप से पूरी दुनिया का विश्वास, पूरी दुनिया का एक मैं कहूँ कि आस्था, एक प्रेम भारत के प्रति बढ़ा है। और आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। कितना सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं एक भारतीय के रूप में मैं विदेश में गया, और विदेश में भी कहाँ, लंदन में। लंदन में जिन अंग्रेजों ने बरसों बरसों तक हमारे ऊपर शासन किया, हमारे यहाँ उन्होंने तमाम प्रकार से देश के अंदर जिस प्रकार के काम किए हम सभी जानते हैं, लेकिन आज वही अंग्रेज हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे देश की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके देश में इतना अच्छा संकल्प हुआ। तो ये गौरव केवल मेरे लिए नहीं था,
मैं समझता हूं कि पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का आज पूरी दुनिया के अंदर सम्मान हो रहा है। मेरा मानना है कि 2014 से 19 तक का समय जो देश की आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने का समय था, और 19 से लेकर 24 का समय जो हमारी आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ति का समय है, और 2024 से लेकर 2019 का जो 29 का जो समय है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा और मुझे आप सबके समक्ष कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे थे उस समिट के मंच से उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हुआ, यानी कि भारत अब विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरा विश्व गुरु की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज भारत की ख्याति की जो डंका है वो पूरे दुनिया में बज रही है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस विकास यात्रा में सहभागी बने। आज अनेकों योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीबों को निःशुल्क राशन दिए जाने का काम 5 साल के लिए आगे तक बढ़ा दिया है। आप सबको तो पता होगा, आप सब लोगों को पता होगा 2020 से चलने वाली योजना अब 5 सालों तक चलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें अभी तक 4 करोड़ पक्के मकान दिए जा चुके हैं, आयुष्मान भारत योजना जो हर एक व्यक्ति को आज स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम कर रही है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेकों योजनाएं अगर मैं इनको गिनाने लगूं तो बहुत लंबा कालखंड लग जाएगा। आज भारत हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है और ये क्षेत्र तो विशेष रूप से उन्नति कर रहा है। अभी मेघश्याम जी बता रहे थे मुझे कि यहाँ जमीनें रास्ते भर बता रहे थे कि जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं, यहाँ एक दिन में यहाँ 5-5 लाख लोगों का आगमन हो रहा है, 5 लाख लोग आ रहे हैं। और उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में भी एक चार धाम यात्रा में पहले 5 लाख लोग, अधिकतम 10 लाख लोग पहुंचते थे, और आज उत्तराखंड में एक साल में एक यात्रा में 56 लाख लोगों ने रिकॉर्ड किया है। पहाड़ में केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन किए हैं। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का प्रतिफल है जो हमको प्राप्त हो रहा है। आगे चलकर हम लोगों को भी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है उसको साकार करना है। यदि आप चाहते हैं कि भारत विकास और प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे तो हम सभी लोगों को आज हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है। मोदी जी के नेतृत्व में एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर आया है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध होते हुए उस कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ उसको पालन करना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चली हैं, उनको मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं आप सभी का आज आप लोगों ने इतना मेरा यहाँ पर स्वागत किया, मैं अभिभूत हूँ आप सबके स्वागत को लेकर। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, सब प्रवासी हैं, अगले साल चार धाम यात्रा में जरूर उत्तराखंड के दर्शन करने आइए। उत्तराखंड को भी देखिए कि उत्तराखंड भी अब नए स्वरूप में, नए उसमें प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पुनः एक बार मैं आप सभी का, सभी आयोजकों का, आप सब आए हुए सम्मानित भाई बहनों का, बुजुर्गों का, हमारे पत्रकार मित्रों का, सबका अपने दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।